जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या घर पर अचानक से मेहमान आ जाएं, तो आप नारियल की ये बर्फी ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही सॉफ्ट और रसीली बनकर ये तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने पैन रख दिया है, तो इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर मैं ये 2 कटोरी नारियल का बूरा। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर चलाते हुए नारियल के भूरे को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए, यहाँ पर नारियल को मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया है और ये देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर लिया है मैंने ये 1 गिलास दूध, तो इसे हम पैन में डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये सारा दूध अच्छे से सूख नहीं जाता है। और ये देखिए, इसे पकते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमने इसमें जितना दूध डाला था वो सारा नारियल ने सूख लिया है, ये बिल्कुल सूखा हो चुका है। तो अब इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद एक बार फिर से इसमें पानी हो जाएगा। ये देखिए, नारियल का बूरा फिर से गीला सा हो चुका है, तो हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे, जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता है। ये देखिए, हमने जो इसमें चीनी डाली थी उसका पानी अच्छे से सूख चुका है और हमारा ये देखिए ये नारियल का बूरा एक डो की तरह बनने लगा है, ये देखिए इस तरह से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है, तो हम ब्रश से इस तरह से इसमें चारों तरफ से तेल लगा देंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 1 बटर पेपर, इसे अच्छे से सेट कर देंगे पैन में। और हमने जो बर्फ़ी बना कर रखी हुई है इसे इस केक टिन में डाल देंगे। करछी से इसे अच्छे से फैला लेंगे बराबर। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर लिया है, तो हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को 1 प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चाकू से इसके पीस काट लेंगे। आप किसी भी अपनी मनपसंद शेप में बर्फ़ी को काट कर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काट कर तैयार कर रही हूँ। पहले इसके हम ये लंबे लंबे पीस काट लेंगे और फिर इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस और कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको 1 पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बर्फी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, और एकदम झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है 5 से 7 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।